हेलो जी, वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस थैली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो एज यूजुअल हम फिंगर से शुरू करेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, फिर लाइंस एंड इस तरह से हम पूरे हैंड का एनालिसिस करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, फिंगर्स इस थैली में काफ़ी थिक और कह सकते हैं लॉन्ग दिखाई दे रही हैं। थिकनेस काफ़ी अच्छी है फिंगर्स की। यहाँ पर बेस आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है और पॉइंटेड फिंगर्स हैं, यानी कि एनालिटिक क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहेंगी इनके अंदर। और अगर हम बात करें इनकी अपोलो फिंगर, तो काफ़ी लेंथ में है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मध्यमा के मिडल फर्स्ट फैलेंज के मिडल तक पहुँच रही, यानी उससे भी ऊपर पहुँच रही है। तो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा इनका अपोलो माउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक काफ़ी अच्छी लाइन भी नज़र आ रही है अपोलो पर, तो अपोलियन क्वालिटी है इनके अंदर। और अगर बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति की फिंगर थोड़ी अपोलो से छोटी रह जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। तो कहना चाहूँगा कि बृहस्पति की क्वालिटीज़ भी इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। और अगर बात करें मर्करी फिंगर की, तो मर्करी फिंगर में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट अप्रोच वाला होता है, अपनी मर्जी करना ऐसे लोगों को पसंद होता है, और थोड़ा सा रेबलियन भी कह सकते हैं, जो अपने जो पेरेंट्स हैं या कोई भी जो भी उनके साथ है उनके साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल आती है ऐसे लोगों को, जिनके जो छोटी फिंगर है सबसे कनिष्ठा है उसके बीच में और अपोलो फिंगर में गैप हो। तो यहाँ पर कुछ पर्सनैलिटी की ट्रेड्स हमें पता चली कि अपोलियन होंगे, थोड़ी सी इगोस्टिक पर्सनैलिटी होगी इनकी, और बृहस्पति के गुण भी काफ़ी अच्छे होंगे इनके अंदर। आगे बढ़ते हैं, फिंगर्स की सेटिंग देखेंगे किस तरह से है। एक बार मिटा रहा हूँ सारी लाइनें, फिर इनके हाथ की क्लोजअप फोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं, उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उससे और ज़्यादा अच्छी तरह से हमें जो साइंस हैं वो नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे हाई सेट फिंगर है वो जिसको हम सैटर्न फिंगर कहते हैं, शनि की फिंगर है। उसके बाद अपोलो थोड़ी लो सेट है और मर्करी थोड़ी सी और लो सेट है। तो ज़्यादा सबसे हाई क्वालिटीज़ इनके अंदर सैटरेनियन रहेंगी शनि की, यानी कि शनि कुछ इस तरह का प्लैनेट है कि जो काफ़ी मेहनत करवाता है, और मेहनत के साथ ही ऐसे लोगों को पैसा मिलता है, यानी कि कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता, लेकिन मिलता बहुत है, क्योंकि शनि जो हैं वो ऐसे देवता हैं जो व्यक्ति को पहले खूब तंग करते हैं, मेहनत करवाते हैं। एक बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब शनि देना शुरू करते हैं तो बहुत मिलता है। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है मुझे, क्योंकि काफ़ी अच्छी शनि की लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, और शनि का माउंट काफ़ी डेवलप्ड है। तो कह सकता हूँ कि बहुत लकी होंगे ये, लेकिन थोड़ी देर से इनका भाग्य उदय होगा और उसके बाद ही इनको सब कुछ मिलना आरंभ होगा। तो चलिए एक बार माउंट्स को क्लोजअप लेकर देखते हैं, उसके बाद दूसरी फोटोग्राफ दिखाऊंगा इनके हैंड की, ताकि और क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी माउंट्स की फोटोग्राफ्स, तो एक काफ़ी अच्छी लाइन जिसको हम लाइन ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे बृहस्पति माउंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से लाइन चल रही है, यह इसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, और एक यानी इसको कह सकते हैं पार्शियल गर्डल ऑफ जुपिटर, यानी कि कुछ आधा गर्डल बन रहा है जुपिटर का, जो व्यक्ति को काफ़ी रिलीजियस बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत नाम भी कमाते हैं अपने फील्ड में जिनके ऐसे गर्डल बनता है। ज़्यादातर ये गर्डल पूरा इस तरह से होता है जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, लेकिन इनके हाथ में काफ़ी हद तक बन रहा है, जिसको मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ। ऐसा गर्डल होने का मतलब यह होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिंपथेटिक होते हैं, साथ ही साथ सिंपथी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति रिलीजियस भी काफ़ी हो जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो चलिए आगे बाकी के माउंट्स को एक बार देखते हैं और माउंट्स इनके क्या बता रहे हैं। जैसे कि शनि के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, सैटर्न के बारे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इनके हाथ में, सैटर्नियन क्वालिटीज़ काफ़ी होंगी। सूर्य थोड़ा सा दबा है, लेकिन सूर्य की लाइन भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो सूर्य के बारे में कहना चाहूँगा इनको फेम भी मिलेगा, लेकिन लेटर एज में जाकर फेम मिलेगा, क्योंकि सूर्य थोड़ा दबा होने के कारण थोड़ी देरी हो सकती है। सूर्य को जल चढ़ाएं हर रोज़ तो बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। उसके बाद एक फोकस्ड लाइन चल रही है मर्करी के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही लाइन है। अगर ऐसी लाइन होती तो व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यह अगर जॉब की बजाय बिजनेस में जाएंगे तो इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, कुछ इस तरह का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, और बिजनेस में नेम के साथ साथ फेम भी मिल सकता है इनको।
और आगे बढ़ते हुए बाकी की लाइंस को चेक करेंगे। एक बार मैं फोटोग्राफ चेंज करने जा रहा हूं, दूसरी फोटोग्राफ आपको दिखाना चाहूंगा इनके हाथ की। यह दूसरी पिक है इनके हैंड की, क्लोजअप है थोड़ा सा, तो इसमें ज्यादा क्लियरली आपको दिखाई देगी बाकी की लाइंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी नजर आ रही है। इस एंगल से अगर देखते हैं तो आपको दिखाना चाहूंगा कहां पर है पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ यहां तक और कुछ इस तरह की लाइन बन रही है। अगर यह वीनस यहां तक कंप्लीट होता है गर्डल ऑफ वीनस तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आधा होने से भी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनल रहता है, इमोशनल एक तरह से स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। आगे बढ़ते हुए इनकी बाकी की लाइंस को चेक करते हैं। सबसे पहले हार्ट की लाइन को चेक करना चाहूँगा। हार्ट की लाइन जो इनकी है वह लगभग बृहस्पति के ऊपर पहुँच रही है और यहाँ से चलते हुए कुछ इस तरह से काफ़ी सीधी लाइन और कोई भी टेसल या कोई और फॉर्मेशन नहीं बन रही। एक अपवर्ड लाइन मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही क्लियर लाइन है और इस तरह की लाइन को मैं बहुत शुभ मानता हूँ, क्योंकि अगर लाइन में बहुत ज़्यादा अपवर्ड ऐसी ब्रांचेज हों या डाउनवर्ड ब्रांचेज हों तो यह नेगेटिव इफेक्ट देती हैं, लेकिन अगर क्लियर हार्ट लाइन हो जैसी इनकी है तो बहुत शुभ फल देती है। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं बहुत हल्की सी एक या दो ब्रांचेज नज़र आ रही हैं, बहुत हल्की हैं जिनके कारण ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि इनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली लाइफ में, और साथ ही साथ कोई ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स भी इनको नहीं रहने वाली, कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लियर हो रहा है। और सूर्य क्षेत्र पर भी दो लाइनें नज़र आ रही हैं इस एंगल से देखने पर, आप देख सकते हैं एक यह वाली है और एक बिल्कुल पैरलर साथ में चलने वाली लाइन, दो सूर्य लाइनें हैं, तो काफ़ी शुभ है इनके लिए। तो यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि फेमस होना इनके लिए एक तरह से कंपल्शन है, ये जरूर फेमस होंगे लाइफ में। अब आगे बढ़ते हैं बाकी की लाइंस को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा जो कि मिडल तक ही पहुँच रही है, बहुत दूर तक नहीं पहुँच रही। तो इससे यह क्लियर होता है कि स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे और हो सकता है कि बिजनेस में ही इनका जो रुझान रहे और बिजनेस में ही यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें कुछ इस तरह से। तो अगर बात करें जिनकी लाइन लगभग अपोलो के नीचे तक ही पहुंचती है, यहाँ पर इनकी जो लाइन है ये मस्तिष्क की रेखा है यह अपोलो के नीचे तक पहुंच रही है, बहुत आगे तक नहीं जा रही। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ, यह ऊपर जो फिंगर है अपोलो की सूर्य की है और नीचे यहाँ तक लाइन पहुँच रही है लगभग यहाँ तक। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइन बिना किसी फ्लॉ के हो तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एजुकेशन ग्रैस्प नहीं करते, बहुत डिग्रीज या डिप्लोमास नहीं लेते, लेकिन दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, बिजनेस में काफ़ी तेज़ होते हैं और ऐसे व्यक्ति कई बार कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जो लंबी लाइन वाले भी नहीं कर पाते। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कह सकता हूँ ऐसे लोगों को, तो काफ़ी अच्छी लाइन है क्योंकि झुकाव नहीं है लाइन में, लाइन काफ़ी स्ट्रेट है बिना किसी फ्लॉ से है। अगर बात करें लाइफ लाइन की तो लाइफ लाइन के शुरू में मुझे एक आइलैंड की फॉर्मेशन नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक आइलैंड बन रहा है, तो यह एक तरह से बचपन में जो लाइफ रही होगी इनकी उसमें कुछ इमोशनल या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ इस तरह से यह आइलैंड जो है इनकी हेल्थ के बारे में या इनकी इमोशंस के बारे में बता रहा है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लाइन जो आगे लाइफ की चल रही है बहुत ही क्लियर है और बहुत ही वेल मार्क्ड है, डीप है, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ क्या क्या बताती है इनके बारे में, यानी किस तरह की लाइफ रहेगी इनकी। थोड़ा सा एक बार ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपको बड़ी क्लियर लाइन दिखाई दे रही होगी इनकी लाइफ की। तो यहाँ तक चल रही है लाइफ और एक ब्रांच निकलकर नीचे की तरफ जा रही है जो इनको विदेश जाने का मौका भी देगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन में कुछ स्ट्रेस लाइन्स नज़र आ रही हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कुछ यहाँ पर आपको अभी ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा कुछ लाइन्स जो हैं स्ट्रेस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो काटने वाली लाइन्स हैं ये इमोशनल सेटबैक्स इनको कहते हैं हम, कुछ इस तरह से जो लाइन्स बन रही हैं यह तीन या चार लाइन्स हैं जो इनको इनिशियली प्रॉब्लम्स देंगी और जिसके कारण थोड़ी लाइफ डिस्टर्ब भी होती है और यह अलग अलग एजेस में चल रही हैं। यहाँ पर अगर आप एजेस को देखें तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 22 की एज से शुरू हो रही हैं यह,
22 की एज में है, फिर 23 की एज है, उसके बाद या 25 की एज में एक स्ट्रेस है, उसके बाद 28 के अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ पर जो लास्ट स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है यह लगभग 30 की एज में कुछ प्रॉब्लम इनको होगी, लेकिन उसके आगे की अगर आप लाइन देखें तो कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा इनको जो काफ़ी अच्छा एक जिसको कहते हैं जंप मिलेगा लाइफ में, वो मिलेगा लगभग 35 के आसपास की एज, 34 या 35 की एज में। यहाँ पर आपको एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूँ, 34 या लगभग 35 की एज में इनको एक अच्छा ऑफशूट मिल रहा है लाइफ में। यहाँ से निकलकर एक लाइन काफ़ी अच्छी ऊपर तक जा रही है, तो ये ऐसी लाइन है जो इनको एक बड़ा जंप मिलेगा 34-35 की उम्र में, और काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस होगी इनके लिए। वैसे तो प्रोग्रेस थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी क्योंकि इनकी सैटर्न की लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस एज में चलकर यह कुछ बड़ा खरीद पाएंगे या बड़ा बिजनेस शुरू कर पाएंगे, या यह कह सकता हूँ कि अपनी कोई डिज़ायर जो इनकी है, बहुत बड़ी डिज़ायर, वो इनकी इस एज में जाकर फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, लाइन को और अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लगभग इनकी टोटल एज है वो 75 प्लस नज़र आ रही है, और उसके बाद एक ब्रांच जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, यानी विदेश जाने का मौका मिलेगा लेकिन सेटल नहीं हो पाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर 70 से 75 तक की एज इनकी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, लगभग इतनी एज होगी टोटल इनकी। और उसके बाद यहाँ से जो एक लाइन चल रही है जिसको हम सैटर्न लाइन कहते हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत क्लियर लाइन है, तो काफ़ी लकी रहेंगे ये इस लाइन की वजह से थ्रू आउट द लाइफ। इनको शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसके बाद अगर आप देखें इनकी लाइन में कहीं भी कोई एक तरह से ना तो कोई इनकी लाइन में चेंज आ रहा है, सिर्फ एक साथ में स्पोर्टिंग लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लगभग 36 की एज में एक और लाइन बन रही है यहाँ पर कुछ ऐसी, यानी कि इस एज में जाकर ये दो बिजनेस कर सकते हैं। हल्की लाइन है थोड़ी सी, एक तो इनका पर्सनल जो चल ही रहा होगा और यह ऊपर तक जा रहा है, अगर आप देखें तो पूरे सैटर्न को कवर कर रहा है, कुछ इस तरह से बन रही है लाइन। तो 35 और 36 की एज के अंदर ये एक अलग से नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और जो इनकी फेम की लाइंस हैं वो लगभग शुरू हो रही हैं 55 के बाद की एज। तो 50 प्लस की एज के बाद यहाँ पर एक फेम की लाइन दिखाई दे रही है, तो इनकी जो लाइफ रहेगी काफ़ी स्मूथ रहेगी, और 30 के बाद इनको काफ़ी अच्छे एक तरह की अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से सारे साइंस क्लियर कर दिए, लेकिन फिर भी एक बार आपको दोबारा से इनके हैंड की फुल हैंड की फोटोग्राफ दिखानी चाहूँगा, ताकि अगर कुछ साइन रह गया हो तो आप उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म कर सकें। यह इनके हैंड की फुल पिक्चर है जो दोबारा मैंने आपके सामने रखी है, सारी लाइंस बड़ी क्लियर हैं। तो यहाँ पर एक जो चीज़ रह गई थी जो उस फोटोग्राफ में दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ पर दिखानी चाहूँगा। फैमिली रिंग पे एक बड़ा सा यब का चिन्ह, या जिसको यह चिन्ह कहते हैं, यहाँ पर जो बन रहा है यह मेल चाइल्ड होने के की एक तरह से इंडिकेशन देता है, यानी कि पुत्र रतन की प्राप्ति। तो कुछ इस तरह से इनका जो बन रहा है हाथ की कंडीशन, हाथ पे शो हो रही हैं, और जो मैरिज है वो 30 के आसपास की एज में नज़र आ रही है यहाँ पर, और मैरिज के साथ ही इनका भाग्य उदय होना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक लाइन है चंद्रमा से आकर जुड़ रही है बीच में, तो यह लाइन शो करती है कि किसी और के साथ किस्मत जुड़ते ही इनकी जो भाग्य है वह काफ़ी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे चिन्ह जो थे इसके इनके हाथ में, हमने उनको डिस्कस किया, उनके बारे में मैंने अपनी प्रेडिक्शंस दी, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे से लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।